सॉरी के लिए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अभी प्रो लीग मैच स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और वुमेन्स लीग खत्म हो गई, अभी मेंस लीग स्टार्ट हो गई आज से। तो आज इंडिया और स्पेन का मैच होने वाला है, तो इंडिया का और स्पेन का मैच काफी मजेदार होने वाले, आपको दिखाने वाला हूं, आपको पूरे लाइव मैच दिखाने वाला हूं। अगर आपका टिकट नहीं हो पाया तो चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपको दिखाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, मजा आने वाला है। और इंडिया जीतता है कि नहीं आप कमेंट करके जरूर से बताइए। पहले से यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी, ये 6 नंबर जो गेट है उसका बगल का पार्किंग आपको दिखा रहा हूँ, 2 नंबर में भी पार्किंग आपको मिलेगी। इस तरह 4 व्हीलर और इस साइड में 2 व्हीलर, और यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो 4 व्हीलर के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है, तो उसी के अंदर में 4 व्हीलर रहना चाहिए जो बॉक्स बना हुआ है, और 2 व्हीलर भी उसी के अंदर में ही रहना चाहिए। जीतेगा स्कैन किया जाएगा टिकट का, और फिर ये देख सकते हो स्टेडियम। और पहले वर्ल्ड कप में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर एक बार आज आ गया हूँ, और आज फिर दिखाने वाला हूँ। इंडिया और स्पेन का मैच होने वाली, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, पूरी लाइव मैच आपको दिखाने वाला हूँ। और बिंदास आप बैठे रहिए मोबाइल के सामने में, आप देखते रहिए क्योंकि आपका भाई आपको दिखाने का जिम्मेवारी लिया है, ठीक है। स्टेडियम दोस्तों, और यहाँ पे इसका बाहर का एरिया कुछ इस तरह से है, और अभी मैं 6 नंबर गेट से अंदर आया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबर गेट यहाँ से एग्ज़िट होती है, और इस साइड में 6 नंबर गेट है, और इधर स्टाफ का पार्किंग है, और अब देख सकते हो पूरा एरिया काफ़ी खूबसूरत है। अब चलिए स्टेडियम के अंदर जाते हैं फटाफट से और मैच का मज़ा लेते हैं। इस जरिए से यहाँ पर ऊपर जाना होता है, तो पहले तो मैं दिखा चुका हूँ, पहले अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त की वीडियो। और अभी मैं फिर से थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, चले फिर और थोड़ा सा इस साइड में देख सकते हो ये स्टेडियम, और थोड़ी दूर चढ़ेंगे तो फिर अंदर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से नज़ारा कुछ देखे, कुछ इस तरह से लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया। तो यहाँ पे एक बार फिर से चेकिंग किया जाता है, और तो यहाँ पे टिकट फिर से दिखा देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पे पेटीज, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। पूरे राउंड में आप जहाँ पर भी जाइएगा पूरा आपको मिल जाएगा। और इस साइड में पानी, बीच बीच में हर एरिया में पानी में यहाँ पर रखा गया, तो आप पानी भी पी सकते हो, पानी पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आइए और यहाँ पे पानी पीजिए, फिल्टर वाले पानी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। खिलाड़ी सब मैदान पे आ चुके हैं, आ रहे हैं, आप दोनों कंट्री का नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा।
एक गोल मार दिया, अभी स्टार्ट हुआ था, कुछ ही सेकंड हुआ था और इंडिया ने गोल मार दिया दोस्तों। स्पेन को काफी मजा आ रहा है और गोल मारेगा। तो बराबर हो चुका है, स्पेन ने भी मार दिया एक गोल और इंडिया एक गोल, बराबर हो चुका है। अभी पेनल्टी कॉर्नर में मार दिया है तो अभी फिर मैच तगड़ा होने वाला है, बराबरी का हो चुका है तो फिर मैच और तगड़ा मजा आने वाला है, अब देखते रहिए। अभी दोस्तों इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है और अभी देखते हैं इंडिया के पास और एक चांस है, बराबर है अभी, अगर अभी गोल मार देता तो हो जाए। Oh, my God.
दोस्तों इंडिया को एक और एक गोल मार दिया, यानी कि स्पेन 2 और इंडिया 1 हो गया है। इंडिया 1 और स्पेन 2 है, तो अभी इंडिया को फिर और अच्छा खेलना होगा, बढ़िया खेलना होगा तभी। अभी देख सकते हैं दोस्तों, मैच बहुत रोमांचक हो चुका है, काफी मजा आ रहा है, तगड़ा मैच हो रहा है। पेनल्टी कॉर्नर हो चुका है दोस्तों स्पेन के लिए, अभी इंडिया को सेव करना होगा। फिर से स्पेन को मिल चुका है पेनल्टी कॉर्नर और इंडिया को इसको भी सेव करना होगा। बता दिया सेव कर लिया। तो देख सकते हो नज़ारा, भीड़ देखिए कितना, सब पूरा फूल हो चुका है। बीच बीच में कुछ ही सीट बाकी है, बाकी सब फूल हो चुका है। लेकिन दोस्तों फिर एक स्पेन को मिल चुका है यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर, अभी देखना पड़ेगा इंडिया फिर से सेव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। स्पेन के लिए अभी फिर से मौका हो, फिर एक पेनल्टी कॉर्नर दोस्तों। और सबकी नज़र अभी डिस्प्ले के ऊपर क्योंकि रिव्यू चल रही है। Oh!
भी देखा होगा मोहित चौहान ने किया। तो अभी सेकंड हाफ हो चुका है दोस्तों, फिर अभी बाकी। मेरे इशारे पे आप सभी फ्लैश लाइट्स को उठाएंगे, आप सब बैठे रहेंगे। यू हैव टू डू दिस, टर्न द फ्लैश लाइट्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टर्न द फ्लैश लाइट्स। पेनल्टी कॉर्नर इंडिया को मिल चुका है और अभी बढ़िया चांस है।
गोल मार दिया दोस्तों, और अभी बराबर हो चुका है, दो 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 बराबर हो चुका है। अभी थोड़ा तो टाइम बचे, 9 सेकंड। हाँ, अभी इंडिया गोल मार देता तो चलिए आप दर्शन मारे, हम लोग का भी मारते हैं। कैमरा जगह में ये हुआ है, नाम डाला फोड़ दे। अरे यार मत मार दो, टाइम नहीं है, सेटा तो कहते तो टिक्के लगेगी ये वाला मारे थे ना, लेकिन टाइम बराबर होने से क्या करेगा पेनल्टी? हाँ पेनल्टी कौन मारे, पहली बार हॉकी देख रहे हैं हम, तो उधर कहीं खेलता नहीं है। ए बाप रे, देख तो, ओ अच्छा हुआ सेव कर दिया। दोस्तों स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है, अभी पता नहीं क्या होगा, एक सेव कर ले इंडिया, इस बार सेव कर ले फिर एक बार पटक। अभी टाइम भी नहीं है, 6:12 है सिर्फ। नहीं हुई अभी रिव्यू मांग लिया है, और अभी रिव्यू देखा जाएगा इस साइड का डिस्प्ले। अरे गल गया वहाँ, अरे गल गया। हाँ ठीक है, फिर एक बार पेनल्टी कॉर्नर दे चुका है दोस्तों स्पेन, अभी इंडिया को फिर से। फिर दे दिया, फिर दे दिया पेनल्टी कॉर्नर स्पेन को, फिर पेनल्टी कॉर्नर दे दिया, चांस मिल जा रहा है स्पेन। हाँ ना ना, yeah।
इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। रिव्यू किया जा रहा है दोस्तों, गोल हुआ है कि नहीं, तो ये गोल नहीं था। अब देखते हैं, अभी थोड़ी समय, 2 मिनट कुछ सेकंड बाकी है। चलो चलो, होगा होगा, कुछ गड़बड़ यहाँ पे खिलाड़ी खिलाड़ी के बीच में, अभी खत्म हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। दोनों दो दो पे है, स्पेन 2 और इंडिया 2, बराबर हो चुका है। अभी 5-5 शूट होगा दोस्तों, अभी देखते हैं इसमें कौन गोल मार पाता है कि नहीं। यहाँ पे स्पेन ने पहला एक गोल मार दिया है, स्पेन तरफ 1 हो चुका है और इंडिया भी 0 है। अभी इंडिया मारने वाला है, इंडिया भी एक कर लिया है, दोनों तरफ बराबर हो चुका है।
स्पेन एक और इंडिया एक, दोनों तरफ एक एक और चार बाकी हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। ये दूसरा स्पेन का दो हो चुका है, अभी इंडिया की बारी है। इंडिया देखते हैं, अभी दोनों बराबर हो गया है। इंडिया दो और स्पेन दो। कर दो स्पेन तीन और इंडिया का दो है। अभी इंडिया को मारने वाला, अभी देखते हैं। ललित आ रहा हो गया है, अभी इंडिया भी तीन कर दिया है और स्पेन भी तीन। पाटा आ गया, सीरीज जो भी है सेव कर दो, सेव कर दो। अभी चार कर लिया है और इंडिया की बारी है। अभी इंडिया भी चार हो गया है, दोनों का चार चार। रिव्यू, अभी रिव्यू ले लिया है। स्पेन पाँच और इंडिया फोर, तो अब पता नहीं क्या होगा। इंडिया भी बराबर, अभी मजा आएगा। इंडिया भी बराबर हो चुका है दोस्तों, जैसे वेलकम इंग्लैंड के साथ हो रहा था ऐसे। क्या हो गया पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर रेफरी ने गोल दे दिया, गोल दे दिया। ये क्या किया, खतरनाक। बाप रे, ओ इंडिया ने मार दिया। अभी छह हो गया इंडिया का और ये एक तो सेव कर लो। अरे यार, ओह हाँ टाइमली किया है। क्या हो गया, क्या जी से जीत सही। दोनों बराबर हो गया दोस्तों। अभी फिर से वो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। इंडिया सात और स्पेन की बारी है। अब क्या हो रहा है, अगर स्पेन अभी गोल नहीं कर पाएगा तो इंडिया जीत जाएगा। ओहो अभी स्पेन भी बाप रे, दोनों तरफ बराबर हो गया दोस्तों। अभी देख सकते हैं मैच और थोड़ा रोमांचक होते जा रहा है जितना मैदान पर। अभी जो
ने गोल मार दिया है, 8 हो गया और वो स्पेन 7 है। अभी स्पेन की बारी है, पता नहीं स्पेन क्या हो रहा है। एक सेव कर देगा इंडिया तो जीत जाएगा। इंडिया जीत चुका है, मैं आपको पहले ही बोला था कि इंडिया जीतेगा और इंडिया जीत चुका है। आप अगर कमेंट नहीं करें अभी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जैसे जैसे शेयर कीजिएगा। इंडिया वाले सबसे आगे हैं, बढ़िया। देखिए दोस्तों, रात का व्यू स्टेडियम का काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये एक साइड से मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए अभी मैच ख़त्म होकर सब कोई बाहर जा रहा है, तो चलिए हम भी चलते हैं। और काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो 10 बजने वाला है। तो वैसा तो मज़ा आया गेम, और आप अगर एंड तक वीडियो देखे हो तो आपको भी मज़ा आया होगा। और इधर का नज़ारा देखिए दोस्तों, और वर्ल्ड कप के टाइम पे यहाँ पे भी बढ़िया से सजा दिया गया था लाइटिंग का, और काफ़ी मस्त हो रहा था यहाँ पे। जैसे वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता तो यहाँ पे भी देखने के लिए था, पर इस बार तो लीग मैच है इसलिए नहीं है। अभी बहुत सारे लोग फ़ोटो ले रहे हैं अपने अपने दोस्तों के साथ।